अस्सलामु अलैकुम, आई एम बैक विद माई नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। आज का टॉपिक है हमारा ऑटोफिल फ्लैश फिल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। हमारे पास दो कमांड्स हैं या दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ऑटोफिल ऑप्शन, सेकेंड वन फ्लैश फिल। इस वीडियो में हम ऑटोफिल ऑप्शन डिस्कस करेंगे और इसका जो पार्ट टू होगा उसमें हम फ्लैश फिल ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, ऑटोफिल ऑप्शन, ऑटोफिल कमांड आपके पास सीरीज फिल करने के लिए यूज होती है, और ये सीरीज जो है वो नंबर्स हो सकते हैं, ईयर्स इन डिजिट्स हो सकते हैं, मंथ्स नेम, डेज नेम, डेट एंड वीक डेज। और इसके अलावा ऑटोफिल ऑप्शन जो है वो आप सिर्फ कॉलम में फिल नहीं कर सकते, इसे रॉज में भी फिल किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखें आप, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट फिल की हुई है, और डेट की जो ऑटोफिल ऑप्शन है उसके ज़रिए मैंने आपको ऑटोफिल ऑप्शन के ज़रिए बताया कि कैसे डेट फिल होती है इसमें। तो ये जो है आपका ये ऑटोफिल ऑप्शन है, ये तमाम आपके रेडियो बटन हैं जो कि आपके इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू प्रैक्टिकल वर्क। ये है हमारे पास ऑटोफिल ऑप्शन, और ये हमारे पास जो है वो जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए थे ये तमाम वही हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा काम किया हुआ है आपके लिए ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेफ हो। ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं इन सब को मैंने एक एक बॉक्स में, एक एक सेल में मेंशन किया हुआ है डिफरेंट कलर से, ताकि मैं आपको उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊँ और ये भी बताऊँ कि इसको रॉ और कॉलम में किस तरीके से सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कॉलम्स में को हाईलाइट करना चाहूँगी विद सेम कलर ऑफ सेल। इसी तरह से मैं अपनी रो को भी सिलेक्ट करना चाहूँगी विद द सेम कलर ऑफ सेल। ठीक है, इस तरीके से हम सब सेल्स को फिल कर लेंगे, या जितने भी कॉलम्स और रोज हैं जो कलर मेंशन हुए हैं इससे हम फिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको समझ आए कि मैंने ये किस तरह से बनाया है, आपके अट्रैक्शन के लिए, कि ताकि आपको समझ आए ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने ऑप्शन पे, हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हम जाएंगे ऊपर। ये देखिए, तो हम सबसे पहले करेंगे, अब हमारा पहला ऑप्शन है कॉपी सेल। कॉपी सेल करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगी पाकिस्तान। अगर मुझे ये टेक्स्ट कॉपी करना है तो सिंपली गो टू, देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे इस सेल के अराउंड अपने माउस को मूव करती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट तरह से आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस साइन बन जाता है। ये प्लस साइन इस वक्त मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये जो है वो आउटलाइन के साथ वाइट नज़र आए, ब्लैक आउटलाइन के साथ वाइट नज़र आए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये वैसे जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो ये ब्लैक कलर का होता है। तो आपने सिंपली जब ये साइन आपके पास आ जाए तो आपने क्लिक करना है अपने माउस की हेल्प से, क्लिक, होल्ड, होल्ड योर माउस बटन एंड देन ड्रैग डाउन। नाउ सी, आप ऑटोफिल ऑप्शन पे जाइए, ये ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये आ रहे हैं आपके पास ऑप्शंस। इसमें कॉपी सेल है, फिल फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग, हमें इस वक्त कॉपी करना है तो हम इस रेडियो बटन पे ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है, तो आप इसको क्लिक रहने दें और यहाँ पे आपके पास सेल कॉपी हो गए। यहाँ पर सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे।
ये कॉपी हो गए, ठीक है। अगर आपको मज़ीद देखना है तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फिल सीरीज़। फिल सीरीज़ में आपकी कोई भी सीरीज़ फिल हो सकती है। मैं यहाँ पे नंबर फिल करना चाहूँगी, मैंने लिखा है यहाँ पे 44। अगेन मूव माई माउस, ब्लैक प्लस आ गया साइन, जो कि आपके लिए वाइट होगा। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल को कॉपी ही करता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर सीरीज़ फिल करनी है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। देन आई हैव फिल सीरीज ऑप्शन, तो आई क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन। नाउ सी, आपने देखा ये सारी सीरीज चेंज हो गई। अगेन मैं ये इसको वहाँ पे भी कॉपी करती हूँ। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, क्लिक ऑन फिल सीरीज, सीरीज फिल हो गई। अब आ जाइए फिल फॉर्मेटिंग ओनली। फिल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो नंबर है वो किस तरह का है, मतलब उसका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट कलर क्या है, उसका सेल हाईलाइट क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में पाकिस्तान की ही दूंगी, पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया है ब्राउन, ठीक है। और मैंने सेल को जो हाईलाइट किया हुआ है, सेल का कलर मैं चेंज कर देती हूँ जी, ये कलर मैं फिल कर देती हूँ उसके अंदर। ये इसकी फॉर्मेटिंग बन गई। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी डिफरेंट तरह का कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर ना जी, देखें यहाँ पे ये लिख लिया मैंने टेक्स्ट वगैरह। अब मुझे, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सेम प्लस साइन ड्रैग डाउन, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई करना चाहती हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। ये देखिए आपने देखा इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई, और यहाँ पे भी मैं, टेक्स्ट तो नहीं है लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, यानी सेल कॉपी हो जाएंगे। फिल फॉर्मेटिंग ओनली क्लिक, ये देखा आपने। तो दोनों सूरतों में इसने जो है वो इसको कॉपी कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूँगी ना, तो वो सेम उसी तरह लिखा जाएगा। ये देखें जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, कराची, लाहौर, ठीक है। अब आ जाइए फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अब मैंने समझ लिया, ये कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया सेल। जब ये सेल इस तरह से ब्रोकन लाइंस में मूव होने लगे, तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये कॉपी हो गया सेल, उसे पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसे क्या करूँगी कि मैं चाहती हूँ कि फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी मुझे पाकिस्तान चाहिए लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए मुझे। क्लिक, ड्रैग डाउन, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ये देखें, क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन। नाउ सी, इसी तरीके से आ जाइए आगे फिल डेज। अच्छा, अब इसको हम रॉ में भी आपको करके बता देते हैं। यहाँ पे रॉ में आ गया, क्लिक, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। आपके पास फिल डेज हैं, फिल डेज में आपके पास, आप फिल कर लें, स्टार्ट करें सैटरडे से। सैटरडे, देन क्लिक, ड्रैग डाउन, आपके पास ऑटोमेटिक फिल सीरीज हो गई। ये भी सीरीज ही है, ये फिल हो गई डेज की। इसी तरीके से ये आपके पास रॉ में भी काम करेगा, ये रॉ में काम किया इसने। इस तरह से आपके पास फिल डेज हैं, वीक डेज हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीक डेज में, तो आप मंडे से स्टार्ट करें, मंडे, देन होल्ड, क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग डाउन। अब आपके पास सारे जो हैं वो वीक डेज आ गए। ये देख लें, वीक डेज हो गए आपके पास। फिल मंथ्स, मैंने स्टार्ट किया जैन,
ये फिल सीरीज के थ्रू आपका फिल कर देगा। जैन लिखा और ये मैंने सीरीज फिल कर दी, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास ईयर। ईयर मैंने आपको बताया था कि डिजिट में होगा, 7 से स्टार्ट करते हैं। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग डाउन, ऑटो फिल ऑप्शन। ऑटो फिल में हमने फिल सीरीज चाहिए, फिल सीरीज हो गई। इससे रॉ में भी ऐसे ही कर देंगे फिल, ये फिल सीरीज हो गई और ये सिलेक्ट हो गया, ये फिल सीरीज आ गई। अब आपको, आपके पास ना जो ये ऑप्शंस होते हैं, इनमें आपके पास डेट का नहीं है ऑप्शन, लेकिन डेट भी ऑटो फिल हो जाती है। यहाँ पर जो है वो डेट भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक डाउन, ये देखिए आपके पास डेट आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे रॉ में करना है, तो मैंने यहाँ रॉ में फिल कर दिया। सही है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कॉलम का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल है, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जैसे छोटा है थोड़ा सा ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये डिजिट जो है वो गायब हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास हैश लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि आपके कॉलम की विड्थ कम है आपके टेक्स्ट के हिसाब से। ये देखिए मैंने कॉलम का साइज बढ़ाया, तो आपके पास नंबर्स या डिजिट वापस आ गए। तो बस ये छोटा सा एक लेक्चर था, ये देख लें यहाँ पर, ये ऑटो फिल ऑप्शन है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरह से आपका काम करता है ऑटो फिल जी। अच्छा, ऑटो फिल ऑप्शन जो है वो आपके पास ये फीचर आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इस वक्त ये ऑन है, तो जब आप सेल पे लेके जाते हैं और इस पॉइंटर के पास लेके जाते हैं, तो ये प्लस साइन बन जाता है। लेकिन अगर मैं इस फीचर को ऑफ कर दूं, तो ये ऑप्शन मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। इस ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए या ऑफ करने के लिए हम जाएंगे फाइल पर, देन गो टू ऑप्शंस। जब हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाए, तो इसमें हमारे पास आता है एडवांस्ड। क्लिक ऑन एडवांस्ड एंड देन इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको आप चेक को हटा दें। अगर आप चेक हटा देते हैं और ओके करते हैं, तो आपके पास ये फीचर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, देखिए अब ये फीचर मौजूद नहीं है आपके पास, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लूँगी। फाइल पे, देन ऑप्शन, देन एडवांस्ड, क्लिक ऑन इनेबल और ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। लेकिन इसके साथ ही मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि आपकी एक वर्कबुक कितनी वर्कशीट का जो है वो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आंसर ये है कि वर्कशीट की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं एक वर्कबुक के लिए, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो जनाब, यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसमें आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया।